नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 दिसंबर गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जालौर जिले के भीनमाल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार एसीबी के डीआईजी स्वाई सिंह के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए भीनमाल नगर पालिका के ईओ आशुतोष आचार्य को 4.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पालिका अधिशासी अधिकारी पट्टे की एवज में रिश्वत ले रहा था। एसीबी की टीम ने नगर पालिका के एक बाबू को भी गिरफ्तार किया है। एसीबी टीम घूसखोरों को लेकर भीनमाल थाने पहुंची है। एएसपी महावीर सिंह ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजधानी जयपुर के संजय सर्किल थाना इलाके में एमबीबीएस एडमिशन फ्रॉड का केस दर्ज करवाया गया है। दर्ज शिकायत में बताया गया है कि नीट 2021 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी श्रीगंगानगर की एक छात्रा का सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन कराने का सपना दिखा, 11,41,000 रुपए ठग लिए गए। ठगी की वारदात को लेकर छात्रा के पिता ने देर रात पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि परिवादी की बेटी ने नीट 2021 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जिन कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन मिलने की संभावना थी वहां पर काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया। जनवरी माह में दिल्ली से यश चतुर्वेदी नाम के एक व्यक्ति ने फोन कर परिवादी की बेटी का एडमिशन राजस्थान के किसी भी सरकारी कॉलेज में मैनेजमेंट सीट पर एमबीबीएस में कराने का आश्वासन देकर 11.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर पुलिस ने सेक्सटॉर्शन के मामले में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाई प्रोफाइल मामला इतना संगीन है कि जोधपुर रेंज आईजी खुद बाड़मेर में है और पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है। कोतवाली थाना अधिकारी गंगाराम खावा के अनुसार बाड़मेर के रहने वाले शख्स राम स्वरूप ने एक रिपोर्ट दी थी। कहा था कि वो सेक्सटॉर्शन का शिकार हुए हैं। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया। बड़े ही गोपनीय तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यही वजह है कि अलग अलग जगहों से 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया है। राजधानी जयपुर में लाखों की चपत लगने के बाद गोविंद वाटिका निवासी परमेश्वर प्रसाद ने देर रात पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। प्रकरण की जांच कर रहे जांच अधिकारी बलवीर सिंह ने बताया कि परिवादी का बेटा अपने पिता के मोबाइल पर इंस्टाग्राम चला रहा था, तभी उसे इंस्टाग्राम पर एक आईडी से मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें ट्रेडिंग में रुपए निवेश कर 20 मिनट में पैसा डबल होने का लालच दिया गया। परिवादी के बेटे ने छोटा अमाउंट निवेश कर मैसेज पर बताई गई यूपीआई आईडी पर भेजा, जिसके 20 मिनट बाद उसे एक स्क्रीनशॉट भेजा गया जिसमें निवेश की गई राशि दोगुनी होना दर्शाया गया। इस तरह से परिवादी का बेटा ठगों के झांसे में आ गया। मोटा मुनाफा कमाने के लालच में 2,43,000 रुपए गवा बैठा। जब पिता ने बेटे से अपना मोबाइल वापस लिया तब उसे ठगी का आभास हुआ। गलतागेट थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के फिरोजाबाद के जसराना में देर रात दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। 3 मंजिला मकान में आग लग गई जिसमें 6 लोग जिंदा जल गए। फिरोजाबाद में 3 मंजिला मकान है। ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की दुकान थी। ऊपर के 2 मंजिला मकान में परिवार रहता था। देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से 6 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में पति पत्नी और 3 बच्चे सहित 6 लोग शामिल हैं, जिनकी पहचान 35 साल के मनोज कुमार और उनकी 35 वर्षीय पत्नी नीरज, 12 साल का बेटा हर्ष, 8 वर्षीय छोटा बेटा भारत, नितिन की 32 वर्षीय पत्नी शिवानी, नितिन की 3 महीने की बेटी तेजस्वी के रूप में हुई है। आग बेसमेंट में बने फर्नीचर शोरूम में लगी। आग 3री मंजिल पर बने घर तक पहुंच गई। परिवार के सदस्य आग में फंसे रहे। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को 3 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। मुंबई की एक अदालत ने कहा कि एक महिला को भी आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। कोर्ट का कहना था कि 354 का मतलब केवल सेक्सुअल एक्ट ही नहीं है। एक महिला अगर दूसरी महिला का मान मर्यादा को ठेस पहुंचाती है तो उसे इस सेक्शन के तहत सजा मिलनी चाहिए। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एमवी चव्हाण ने अपने फैसले में मुंबई की एक महिला को 354 सेक्शन के तहत 1 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दरअसल मुंबई की एक सोसाइटी में 2 महिलाओं के बीच हुए विवाद के बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। कोर्ट का कहना था कि 354 के तहत पुरुष या महिला किसी को भी दोषी ठहराया जा सकता है। जयपुर में ड्रग कंट्रोल और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम ने एक बड़े डॉक्टर के घर पर छापा मारकर
वहां से प्रतिबंधित और एनडीपीएस श्रेणी की दवाइयों की खेप जब्त की है। कार्रवाई देर रात डॉक्टर के मालवीय नगर स्थित घर पर की गई। कमिश्नर पुखराज सेन और ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक के निर्देशन में देर रात हुई इस कार्रवाई में नामी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अनिल तांबी के यहाँ से कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ड्रग कंट्रोल की टीम ने एक बोगस ग्राहक बनाकर मालवीय नगर स्थित डॉक्टर के मेडिकल पर भेजा। यहां से 360 एमआरपी की दवाई को 500 रुपए में बेच रहा था। दवाई देते ही टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और फिर डॉक्टर के घर पर जाकर सर्च किया, जहां से उन्हें बड़ी संख्या में एनडीपीएस श्रेणी की दवाई रखी मिली। टीम ने चांदपुल स्थित राजस्थान मेडिकल प्रोविजन स्टोर और गोदाम पर छापा मारकर बड़ी संख्या में दवाइयां जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। राजसमंद जिले के अमेठ नगर के नायो के पावतिया क्षेत्र में धारदार हथियार से वृद्ध महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। वृद्ध महिला के चेहरे पर 3 से 4 बार वार किया गया, जिससे महिला पूरी तरह से लहूलुहान हो गई। परिवार वालों को जब पता चला तो वे वृद्धा को एम्बुलेंस के सहायता से सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने वृद्धा को मृत घोषित कर दिया। 65 वर्षीय वृद्धा चांदीबाई कपड़ों पर प्रेस करने का काम करती थी। मृतका के 3 बेटियां हैं और तीनों शादीशुदा हैं। प्रथम दृष्टया यह पारिवारिक मामला नजर आ रहा है। मामले की जांच के लिए टीम बना दी है। वारदात की जगह को सील कर दिया है। मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब के बठिंडा थाना सिविल लाइन पुलिस ने 3 जनों को ट्रॉला चालक बौहट सिंह निवासी राय सिंह नगर श्रीगंगानगर को अगवा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस को दर्ज करवाए बयान में ट्रॉला चालक बौहट सिंह ने बताया कि वह संधू ट्रांसपोर्ट कंपनी संगरिया हनुमानगढ़ के ट्रॉले की ड्राइवरी करता है। 28 नवंबर को जब वह जगराओं में अपना सीमेंट से भरा ट्रॉला खाली कर रात के समय वापस आ रहा था, तो बठिंडा के बाईपास पर होटल स्पायर के नजदीक उसके ट्रॉले का पीछे हिस्सा एक कार से टकरा गया, जिसके बाद कार चालकों ने उससे मारपीट की, फिर उसे अगवा कर अपनी कार में बैठा कर जलालाबाद ले गए। आरोपियों ने उसके मोबाइल फोन के जरिए उसकी कंपनी के मालिकों को फोन कर 50,000 रुपए की फिरौती मांगी। आरोपियों के बताए पते पर जब उसकी कंपनी के मालिक और पुलिस पहुंची तो आरोपी उसे अधमरा छोड़कर फरार हो गए। एएसआई जगसीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपए तक की कमी आ सकती है। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत जनवरी से निचले स्तर पर है। यह अभी 81 डॉलर से नीचे आ गया है। अमेरिकी क्रूड $74 प्रति बैरल के करीब है। खासतौर पर कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट से भारतीय रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत घटकर $82 प्रति बैरल रह गई है। मार्च में 112.8 डॉलर थी। इस हिसाब से 8 महीने में रिफाइनिंग कंपनियों के लिए कच्चे तेल के दाम $31 यानी लगभग 27% कम हो गए हैं। एसएमसी ग्लोबल के मुताबिक क्रूड में $1 गिरावट आने पर देश की तेल कंपनियों को रिफाइनिंग पर प्रति लीटर 45 पैसे की बचत होती है। इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम 14 रुपए प्रति लीटर तक कम होने चाहिए।